नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक और वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट डायनेमिक्स रिपर्टरी के ट्यूटोरियल या फिर रिव्यू वीडियो के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये आप में से नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कुछ समय पहले कंप्लीट डायनेमिक्स जो कि ऑनलाइन डाउनलोडेबल रिपर्टरी है उसके ऊपर एक वीडियो डाला था और वो मेरे चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक, सबसे ज़्यादा कमेंट और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद करा जिस वीडियो को। तो उसके ऊपर उसके कमेंट सेक्शन में मेरे को सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पूछा कि साहब, उनको कन्फ्यूजन है एक्चुअली इस बारे में कि भाई ये क्या है, इसको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जो ऊपर कार्ड में जो लिंक है, उस कार्ड में जो लिंक है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इस सॉफ्टवेयर को, ये सबसे पहले ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, कोई इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं है इसको रन करने के लिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, ये कम्प्लीटली फ्री है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री है इसका ब्राउज़र एडिशन। और मेरे ख्याल में मेरे जैसे प्रैक्टिशनर को इसके ब्राउज़र एडिशन की ही ज़रूरत होगी, और आप में से भी ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इसी फीचर का रिक्वायरमेंट होगा। तो दूसरा पॉइंट है जो इसका सबसे अच्छा है वो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये कोई भी डिवाइस के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास टैबलेट है एप्पल का या एंड्रॉयड का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है एंड्रॉयड का या फिर एप्पल का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास पीसी है, अगर आपके पास विंडोज़ पीसी है या फिर मैक ओएस वाला मतलब एप्पल पीसी, आप तब भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्री में ऑफलाइन चलने वाला और हर एक डिवाइस से कॉम्पेटिबल वर्जन में ये सॉफ्टवेयर नेट पे अवेलेबल है, जिसका वेबसाइट है कंप्लीट डायनेमिक्स। ऊपर वीडियो में आप जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ये कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। अब दोस्तों, इस पे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, क्योंकि इसका मेन जो वर्जन होता है वो होता है इसका पेड वर्जन, जिसके अंदर हम बाकी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दो लोगों को कन्फ्यूजन था कि साहब ये कितने का मिलता है, ये कहाँ मिलता है। कई लोगों को वेबसाइट नहीं पता थी, तो वेबसाइट मैंने बता दिया है, गूगल पे टाइप करेंगे आप कंप्लीट डायनेमिक्स तो ये वहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ कई लोगों को इसको यूज़ करने के अंदर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रहा हूँ। तो आइए सीधे हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये उसका सॉफ्टवेयर का ये इंटरफेस इस तरह से है कि यहाँ पे हमको ये लियोनार्डो डा विंची का एक, ये उन्हीं ने बनाया था एक्चुअली, ये जो डिज़ाइन बना है, ये जो डायग्राम है, ये कहीं ना कहीं डा विंची ने बनाया था इसको। तो इसको इसके अंदर एज अ इसको इसका ट्रेडमार्क रखा गया है। प्लस यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं इसके, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं टोटल यहाँ पे, जैसे माइंड, वर्टाइगो, हेड वगैरह वगैरह। तो अब इसके अंदर इस इंटरफेस पे एक एक चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद अगले सेक्शन में अपन आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चार चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ से आप फ़ोन को बदल सकते हैं, मेरे को एक्स्ट्रा लार्ज फ़ोन चाहिए तो मैं ये यूज़ करूँगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बताया है कि ये फ्री वर्जन है, तो ये जो शुरू के जो तीन फीचर्स हैं हम सिर्फ इनको यूज़ कर सकते हैं। एक तो है इंडेक्स में हम यहाँ से जा सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जैसे माइंड में मैं यहाँ से चला गया है ना, माइंड में, अब मैं इंडेक्स पे आया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब भी मैं माइंड में जाऊँगा। मतलब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। जैसे फिंगर्स, ये मैं चला गया फिंगर चैप्टर पे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे पूरी अक्खी रिपर्टरी के अंदर जहाँ जहाँ पे फिंगर से संबंधित बात होगी मैं वहाँ पे जाऊँगा। स्लीप, ये स्लीप के ऊपर पहुँच गया मैं, ठीक है ना। ये मैं ड्रीम्स पे पहुंच गया, ये भाई किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे मेंटल वाले साथियों के लिए काफ़ी काम का फीचर है। लोअर लिम, ये पूरा का पूरा लोअर लिम आ गया, ठीक है ना। ये स्किन, ये पूरा स्किन आ गया। तो इंडेक्स पे जाने में, या तो मैं ये जो रिटर्न लिखे हुए जो यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं इंडेक्स के अंदर, या तो मैं इनको क्लिक करूँगा तो मैं सीधे वहाँ पे चला जाऊँगा। जैसे कि स्किन में मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, प्लस स्किन के अंदर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद बुक, अगर इंडेक्स से मैं कोई भी चीज़ चूज़ करता हूँ तो मैं डायरेक्ट बुक के पेज पे लैंड हो रहा हूँ। तो ये बुक का मतलब ही, अब देखिए अभी गौर से आप, ये मैं इंडेक्स चुन के बैठा हूँ ना, मैंने अभी स्किन चुना, मैं सीधे बुक पे आ गया कि ये बुक के अंदर आ गया, मैं बुक के अंदर स्किन चैप्टर पे आ गया।
अब दोस्तों समझ गए ना आप इतना कि मैंने कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो मैंने एक्सट्रीमिटीज़ चुना, कहाँ गया एक्सट्रीमिटीज़, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है, लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब मैंने चुना था इंडेक्स से, तो मैं सीधा का सीधा आ गया बुक के अंदर। स्टमक चुना, मैं सीधा का सीधा आ गया बुक के अंदर। अब यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस रिपर्टरी। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये किस तरह से बनाई गई है, इसका संगठन क्या है, संगठन मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि भैया इसके अंदर कैसा सिस्टम फॉलो करते हैं ये, क्या है चैप्टर है, चैप्टर के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ग्रेडेशन कितना है, हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये जैसे हम स्टमक पे बैठे हुए हैं, तो ये जो स्टमक है ये चैप्टर हो गया, ठीक है ना, और उसके साथ जितना भी, जैसे ये कार्डियक एंड ऑफ स्टमक पे काम करने वाली मेडिसिन के बारे में बता रहा है, ये पाइलोरस पे काम करने वाली मेडिसिन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो जो स्टमक के नीचे, ये स्टमक चैप्टर हो गया और ये हो गया मेन रूब्रिक, ये इसका मेन रूब्रिक है, और मेन रूब्रिक के नीचे जैसे पाइलोरस मेन रूब्रिक है, तो इस पर मेडिसिन है, और ये सब रूब्रिक है, मतलब मेन रूब्रिक के नीचे जो होता है दैट इज नोन एज द सब रूब्रिक। अगर मैं सब रूब्रिक पे जाता हूँ, मान लो मैं कॉन्स्ट्रिक्शन पाइलोरस पे गया, तो मैं आ गया कॉन्स्ट्रिक्शन पाइलोरस, तो यहाँ पे मेरे को कुछ और कीवर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेनोसिस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब पहला है मेन चैप्टर, मेन चैप्टर के बाद नंबर आता है मेन रूब्रिक का, मेन रूब्रिक के बाद नंबर आता है सब रूब्रिक का, और सब रूब्रिक पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने आपने देखा है कॉन्स्ट्रिक्शन पे क्लिक करा, पाइलोरस के कॉन्स्ट्रिक्शन पे, तो उसने मेरे को दो और सजेशन दिए। दो दोस्तों इस रिपर्टरी में सजेशंस बड़े काम के हैं कि भाई पाइलोरस पे काम करने वाली 66 मेडिसिन कौन सी है, तो ये पाइलोरस के आगे 66 लिखा है, दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेडिसिन, कि इस पाइलोरस रूब्रिक के आगे भाई 66 मेडिसिन है, मतलब देयर आर टोटल 66 मेडिसिन जो पाइलोरस पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक पे काम करती हैं, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि मैं कॉन्स्ट्रिक्शन देख रहा हूँ, तो कॉन्स्ट्रिक्शन का सिनोनिमस क्या हो सकता है, उसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, स्टेनोसिस। आप सब जानते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन का पर्यायवाची स्टेनोसिस होता है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेनोसिस और पाइलोरस पे गए, तो हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे ये मेडिसिन आ रही है, आयोडम आयोड्रेडियम पोडोरफाइलम थियोसिनेमाइनम एब्रोटेनम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि पहला चैप्टर होगा, चैप्टर के नीचे ये चैप्टर हो गया, स्टूल बिफोर, स्टूल बिफोर इसका मेन रूब्रिक हो गया, और ये इसके सब रूब्रिक हो गए, और जब हम सब रूब्रिक को सिलेक्ट करेंगे तो उससे मिलती जुलती चीज़ें, राउंड अबाउट थिंग्स, कई बार हम जो रूब्रिक ढूंढना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमको नहीं मिलेगा, पर जब हम इसके सब रूब्रिक को हम क्लिक करेंगे तो सब रूब्रिक के अंदर हमको ऐसी 50 चीज़ें मिलेंगी जो हमारे कीवर्ड से रिलेट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों इसका, हमने ये देखा कि भाई ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि ये किस तरह से चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर क्या होता है। अब इसके ग्रेडेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो है टोटल मेडिसिन का एक रूब्रिक के नीचे चार प्रकार का ग्रेडेशन है। कैसा है, अब आप मोटे मोटे तौर पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे जो डिस्टिंक्टली जो दिख रहा है अपने को वो ब्लू कलर दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा इटैलिक में है। तो ये जो है ब्लू कलर, ये फर्स्ट ग्रेड मेडिकेशन है। उसके बाद जो है ये ऑरेंज कलर से जो मेडिकेशन लिखा है, दिस इज द सेकेंड ग्रेड मेडिकेशन। उसी की तरह से ये एल्यूमिना जो लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, ये थर्ड ग्रेड है। और जो सबसे कॉमन ये जो ब्लैक कलर से प्लेन लिखा है, ये फोर्थ ग्रेड मेडिकेशन है। तो इसके अंदर एक रूब्रिक के अंदर जो ग्रेडेशन सिस्टम है वो चार ग्रेड का है। ब्लू रिप्रेजेंट फॉर द फर्स्ट ग्रेड, ऑरेंज रिप्रेजेंट फॉर द सेकेंड ग्रेड, ग्रीन रिप्रेजेंट फॉर द थर्ड ग्रेड, एंड प्लेन ब्लैक रिप्रेजेंट फॉर द फोर्थ ग्रेड, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है, तो इंडेक्स आपने देख लिया कि इंडेक्स का मैंने आपको डिटेल बताया, आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। इंडेक्स में से कुछ भी चुनोगे तो मेडिसिन पे लैंड करोगे, मतलब बुक में लैंड करोगे। तो अब बचा फाइंड। ये फाइंड का फीचर दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइंड के फीचर से ही आप सब अपनी प्रैक्टिस में काम करने वाले हैं, और ये फाइंड का फीचर बिल्कुल एज इट इज़ काम करता है, चाहे आप पीसी में देख लो, चाहे आप लैपटॉप पे देख लो, चाहे आप टैबलेट पे देख लो, चाहे आप मोबाइल पे देख लो। देखिए ये मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर ये सेम रिपर्टरी डाउनलोडेड है, आप देख पा रहे हो, तो ये कंप्लीट डायनेमिक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर भी ये फाइंड का सेक्शन है। ये फाइंड के अंदर मैं ऊपर जो फाइंड के आगे जो एक ये सर्च का ऑप्शन है, मैं यहाँ से टाइप करूँगा, तो ये आप मतलब बिल्कुल वैसी की वैसी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप मोबाइल में हो, चाहे आप पीसी पे हो, ठीक है ना।
अब ये फाइंड के फीचर को यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे हम फाइंड पे आया मैं। अब आप कोई भी रूब्रिक जो आप बना सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कि आप सब जानते हैं रिपर्टराइजेशन के लिए रूब्रिक बनाने का नॉलेज हमको मटेरिया मेडिका रिपर्टरी के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि भाई हमको पेशेंट के सिम्टम को किस तरह से रूब्रिक के अंदर तब्दील करना है, ठीक है ना। अब चलो एक अपन एक हाइपोथेटिकल रूब्रिक बनाते हैं, अ मैं नो, बस इतना ही टाइप करना है, उससे ऊपर टाइप ही नहीं करना है, ठीक है ना। अ मेनोरिया, अब वाई ओ यू एन जी जी आई आर एल एस, जैसे कि आप सब जानते हैं ये जो समस्या है ये लड़कियों के अंदर बड़ी कॉमन है अमेनोरिया की। तो आप देखिए मैंने अमेनोर करा, बस अमेनोरिया भी टाइप नहीं करा और यंग गर्ल्स कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना। अब माइंड में एक हमको रूब्रिक मिल रहा है कि बिजी यंग गर्ल्स इन अमेनोरिया डूइंग नथिंग राइट। देखो ये एक मेंटल सिम्टम आया है, ठीक है ना, कि भैया अमेनोरिया के कारण जो बिजी यंग गर्ल्स होती हैं वो कुछ भी जब सही नहीं करती, मेंटली मिस्टेक्स करती हैं, तो उसकी कौन सी मेडिसिन है, एपिस बता रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं फाइंड पे गया वापस, मेरे को वापस इस पेज पे लैंड होना है, मेरे को फाइंड चूज करना पड़ेगा। अब मेंसेस अब्सटेंस अब्सेंट अमेनोरिया गर्ल्स इन यंग, मतलब इन यंग गर्ल्स में, ये पूरा रूब्रिक बन गया कि मेंसेस अब्सेंट बोले तो अमेनोरिया इन यंग गर्ल्स। हमको ये पहले पढ़ना पड़ता है रिपर्टरी में, जैसा कि आप जब जाइए बाद में पढ़ना पड़ता है, पहले हम ये पढ़ेंगे बीच का स्किप करके फिर ये पढ़ेंगे, मतलब मेंसेस अब्सेंट अमेनोरिया इन यंग गर्ल्स, ओके। तो ये हो गया हमारा रूब्रिक, ठीक है। तो अब इस पर हमने क्लिक करा, तो ये मैंने अगर देखो अब यहाँ पे भी एक चीज़ है कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये आ गई मेडिसिन, भैया सीपी आ रही है। अब यहाँ पे इस रिपर्टरी को यूज़ करने के बाद मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दे रहा हूँ, दो मिनट और लूँगा, आपके बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, मेरे खुद के टूटे हैं और आज भी टूट रहे हैं, और पिछले 6-7 साल से जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मेरे भ्रम टूटते आ रहे हैं। वो भ्रम क्या होते हैं कि हम मटेरिया मेडिका में कुछ चीज़ को हम रट के निकलते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार यही चीज़ सही है। उसका एक और एग्जांपल दूंगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं किसी भी डॉक्टर से बोलूँगा डॉक्टर साहब मेरे को कोई अच्छी सी दवा बताओ एक अमेनोरिया इन यंग गर्ल के लिए, तो आप डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे भाई पल्सेटिला दे दे, गॉसिपियम दे दे, एपिस मेलिफिका दे दे, यही सब मेडिसिन बोलेंगे ना। पर यहाँ पे आप देखिए कि ग्रेडेशन सिस्टम से सीपीए के ऊपर लोड पड़ रहा है, और हो सकता है कि आप यही तीनों चारों मेडिसिन लेके पीले पड़े हों केस के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई सीपीआर, क्योंकि सीपीआर के अंदर ड्रग पिक्चर के अंदर इररेगुलर मेंसेस बताया है, मेरी बात समझिए। सीपीआर में ड्रग पिक्चर के जब सीपीआर का डिटेल में पढ़ते हैं तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ इररेगुलरिटी, वहां पे ये नहीं बोल रहे कि स्केंटी मेंसेस से लेट आता है कम आता है, ये भी नहीं बोल रहे, वहां पे ये भी बोल रहे हैं, वहां पे ये भी बोल रहे हैं कि भैया मेंसेस पीसीपीए की लेडी को ज़्यादा भी आ सकता है, मेंसेस उसको यूटेराइन कंजेशन के कारण हेमरेज भी हो सकता है। पर जो आप सीपीए जो ज़्यादातर लोग जानते हैं वो सीपीए के अंदर फीमेल के अंदर इररेगुलर मेंसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट बताई है, पर यहाँ पे हमारा एक भ्रम टूट रहा है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको, एक मैं पहले वो एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप करने के पहले मैं आपसे पूछता हूँ और आप जवाब दीजिएगा बस वीडियो देखते देखते ही। एब्डोमिनल पेन एग्रेवेट या फिर एम्यूलोरेट बाय बेंडिंग डबल पे कौन सी मेडिसिन है, कोलोसिंथ, अपन को सब पता है। मैं इसलिए इतनी कॉमन मेडिसिन बता रहा हूँ कि कम से कम नॉलेज वाले होम्योपैथ बंधु भी समझ पाए कि एब्डोमिनल पेन अगर किसी को हो रहा है और वो कंपेल कर रहा है उसको कि बैंड डबल, मतलब वो ऐसे 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 हो रहा है, पेशेंट बिल्कुल झुका जा रहा है, क्यों झुका जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पैरों को पेट पे मोड़ने से फ़ायदा मिल रहा है, तो उस पर आपको सबको पता है कोलोसिंथ है, और उसकी अपोजिट डायस्कोरिया पढ़ी है हम लोगों ने कि उसको क्या होता है कि उसको सामने झुकने से एग्रीवेशन है, उसको पीछे होने से एम्यूलोरेशन है, मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट बैठेगा डायस्कोरिया का पेशेंट पेन में, क्योंकि वो झुकता है तो उसका पेन एग्रीवेट होता है। ये मैं डाटा बता रहा हूँ मटेरिया मेडिका का और ज़्यादातर रिपर्टरी का, पर यहाँ पे देखिएगा डोमन में पेन एग्रीवेट या फिर एम्यूलोरेट करते हैं ना इसको, पहले एम्यूलोरेट होता है ना कोलोसिंथ में, वो देख लें एम्यूलोरेट बेंडिंग डबल, ठीक है ना, डबल डी ओ यू बी एल ई,
आप जितना स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करोगे उतना कम रूब्रिक दिखेंगे। आप मेरी बात समझो, जैसे एब्डोमेन टाइप करूंगा तो एब्डोमेन एक जनरल रूब्रिक हो गया, तो एब्डोमेन में पूरी किताब ही खोल देगा वो। जब पेन की बात करूंगा तो वो किताब थोड़ी छोटी होगी क्योंकि मैंने दो रूब्रिक टाइप करे हैं, जरूरी नहीं एब्डोमेन में हर जगह पेन ही हो रहा हो। एम्यूलरेशन की बात करूंगा तो वो और छोटा होगा, और जब पूरा स्पेसिफिकली मैं टाइप कर दूंगा तब जाके वो फाइनली पूरा का पूरा इतना शॉर्ट हो जाता है। इसलिए रूब्रिक के आगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा सफिक्स लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो एक छोटे से सेक्टर में उतरे, ठीक है ना। क्योंकि एब्डोमेन सेलेक्ट करने का कोई अर्थ नहीं है, एब्डोमेन एक जनरल रूब्रिक है और जो एब्डोमेन के ऊपर कम से कम 5,500 रूब्रिक होंगे इस बुक के अंदर, ठीक है। अब हमने आया पेन बेंडिंग या बेंट फॉरवर्ड डबल एमुलरेट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आ रही है कोलोसिंथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एमुलरेट की जगह कर देता हूं एग्रेवेट। अब आप यहां पे देखिए पेन बेंडिंग बेंट फॉरवर्ड डबल एग्रेवेट, यहां पे आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है कि पेन बेंडिंग बेंट फॉरवर्ड डबल एग्रेवेट भी कर सकता है इस कोलोसिंथ को। सॉरी मैंने इसलिए इतना टाइम ले लिया आप लोगों का। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि मैं क्या बता रहा था इसके अंदर कि भैया पेशेंट को बेंड फॉरवर्ड से जो पेन होता है वो एमुलरेट होता है। ये मटेरिया मेडिका नॉलेज है, मटेरिया मेडिका का नॉलेज है, और इसके अंदर कोलोसिंथ आती है ये अपन सब जानते थे। दूसरा कोलोसिंथ के अपोजिशन में डाइस्कोरिया है जिसको बेंड फॉरवर्ड होने से तकलीफ होती है। डाइस्कोरिया का पेशेंट एब्डोमिनल पेन में स्ट्रेट बैठता है, ये भी हमको पता था, ये भी मटेरिया मेडिका का नॉलेज है। पर ये चीज़ आपको नहीं पता थी कि ये बेंट फॉरवर्ड में मतलब बेंडिंग डबल में भी एग्रेवेशन हो सकता है, वो कोलोसिंथ का ही सिम्टम है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग से कोलोसिंथ निकल गई एकदम से, कि मैं कोलोसिंथ को लेके जो बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ था इस पॉइंट पे, इस रिपर्टरी ने मेरा वो पॉइंट को करेक्ट करने में मदद करा। तो दोस्तों इस तरह से इसको आपको यूज़ करना है, और मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको कुछ समय में कुछ महीनों में इसकी आदत पड़ जाएगी। और फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो रिपर्टराइजेशन के अंदर जो गलतियाँ होती हैं, और हम लोग जो पेशेंट को गलत दवाएँ अक्सर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैनुअल रिपर्टराइजेशन बहुत कठिन होता है। आप सब जानते हैं कि हम 50 रूब्रिक लिखेंगे, उसके आगे सब रूब्रिक लिखेंगे, उसके बाद ग्रेडेशन के हिसाब से मेडिसिन लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको इस रिपर्टरी के बारे में, और आखिरी में फिर बता देता हूँ कि ये केस एनालिसिस और मटेरिया मेडिका, ये जो हैं तीन के तीन फीचर्स इस रिपर्टरी के अंदर एनेबल्ड नहीं हैं, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, दे आर एनेबल्ड ओनली इन द पेड वर्जन। हम सिर्फ इस रिपर्टरी में इंडेक्स बुक और मेडिसिन को रूब्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट रिपर्टराइजेशन के दौरान आप कर क्या सकते हैं कि जितने भी फाइंड के अंदर आपने पेशेंट के 4, 5, 10 जितने भी रूब्रिक बनाए हैं, आप उनको शॉर्ट में अपनी एक डायरी के अंदर या अपने नोटपैड पे लिख लीजिए, और उसको लिखने के बाद इस रिपर्टरी से उसको सर्च करिए, और वो 10 रूब्रिक के अंदर ग्रेडेशन एंड इम्पॉर्टेंस एंड ट्राइटी ऑफ सिम्टम के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन कॉमन आ रही है वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने रिपर्टराइजेशन में और इस कंप्लीट डायनेमिक्स रिपर्टरी को समझने में। तो दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार।